दोस्तों एनालॉजी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए रीजनिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। शब्दों पर आधारित वर्ड एनालॉजी को आगे बढ़ाते हैं। और कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर जो क्लॉक वाले जो घड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं उसको भी स्टार्ट कीजिए, तो दोनों हम लेके चलेंगे, एनालॉजी भी चलेगा और क्लॉक वाले क्वेश्चन भी चलेंगे। अब इसके बाद वो शुरू करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कार्बन का जो संबंध हीरा से है वही बताना है, कोरंडम का किससे होगा, ये सब ऑप्शन देख सकते हैं। तो देखेंगे हीरा जो होता है ना वो कार्बन का एक रूप है, ठीक। तो कोरंडम का एक रूप है रूबी, जिसको लाल मणिक बोलते हैं, रूबी ना कोरंडम का एक रूप है। कवि कविता लिखता है, नाटककार नाटक लिखता है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सम्मेलन का जो संबंध अध्यक्ष से है वही संबंध समाचार पत्र का किससे है, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, संवाददाता वितरक मुद्रक और संपादक। तो सम्मेलन का जो मुख्य व्यक्ति चीफ पर्सन होता है वो अध्यक्ष होता है, सेक्रेटरी होता है, ठीक। वैसे ही समाचार पत्र का जो मेन व्यक्ति होता है, मुख्य व्यक्ति होता है, उसको क्या बोलते हैं, संपादक, उसको ऑडिटर बोलते हैं। चूहा का जो संबंध बिल्ली से है वही बताना है, कीड़ा का संबंध किससे होगा। तो दोस्तों चूहा और बिल्ली का रिलेशन, यानी बिल्ली चूहा को खाती है तो बताना है कीड़ा किसको खाता है या कीड़े को कौन खाता है। तो चूहे को जिस प्रकार से बिल्ली खाती है उसी प्रकार से कीड़ा को क्या खाती है, पक्षी खाते हैं, ठीक है। शिल्पी का जो रिलेशन छेनी से है वही लेखक का किससे होगा। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं टॉप मोस्ट क्वेश्चन है। शिल्पी का छेनी से, यानी शिल्पी का मेन हथियार छेनी होता है, वैसे ही बताना है लेखक का मेन हथियार क्या है। तो लेखक के लिए मेज तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कागज नहीं है, पुस्तक, कलम उसकी मेन हथियार होती है, क्योंकि कलम के बिना कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। उपग्रह का जो संबंध कक्षा से है वही प्रक्षेपणास्त्र का संबंध किससे है। तो उपग्रह कक्षा में घूमते हैं, आप जानते हैं उपग्रह सैटेलाइट कहाँ घूमते हैं, ऑर्बिट में, कक्षा में घूमते हैं। प्रक्षेपणास्त्र क्या होता है, प्रक्षेपण प्लस अस्त्र, प्रक्षेपण का अस्त्र क्या होता है। प्रक्षेपास्त्र कहाँ घूमते हैं, ये प्रपथ में, जिसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं, प्रपथ में घूमते हैं। नगर का जो रिलेशन देश से है वही बताना है, पृथ्वी का किससे होगा। तो देश का छोटा भाग नगर होता है, नगर मिलते हैं तो देश बनते हैं। तो पृथ्वी, पृथ्वी जो का छोटा भाग किसका, कौन छोटा भाग है, ये जो है सौर मंडल का छोटा सा भाग है। जिस प्रकार से देश का छोटा भाग नगर है वैसे ही पृथ्वी, पृथ्वी सौर मंडल की छोटी सी हिस्सा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दोषी का जो संबंध दोष मुक्त से है वही आकर्षित का किससे है। तो दोषी का उल्टा दोष मुक्त है, आकर्षित का विकर्षित होगा। समय का रिलेशन कब का, समय कब का रिलेशन समय से है तो कहाँ का किससे होगा, यानी कब क्या बताता है, समय, ठीक है, कितने बजे। कहाँ का संबंध स्थान से है, ठीक है, कोई पूछे ना कहाँ, तो स्थान से उसका रिलेशन होता है। दर्जी वस्त्र बनाता है और किसान फसल उगाता है, सीधी सी बात है। चिकित्सक रोगी का देखभाल करता है और राजनीतिज्ञ किसकी देखभाल करते हैं, जनता का, मतदाता का, पद का, धन का। तो राजनीतिज्ञ का, पॉलिटिशियन का मेन रिलेशन मतदाता से होता है। अगर आप यहाँ जनता लिखते हैं तो गलत होगा, क्योंकि जनता में वैसे भी लोग हैं जो वोट नहीं देते हैं, वोट देने वाले नहीं, मतलब उनकी उम्र 18 वर्ष नहीं हुई है, इसलिए मतदाता सही होगा। निद्रा का थकावट से जो रिलेशन है वही अन्न का बताना है, यानी निद्रा से थकावट दूर होती है और अन्न से भूख मिटती है। और लास्ट क्वेश्चन है, मांस का जो संबंध शाकाहारी से है वही मध्य का किससे होगा। तो मांस को शाकाहारी नहीं खाता है और मध्य का, मध्य मतलब शराब, शराब का यूज कौन नहीं कर सकता है, मध्य त्यागी, जो शराब त्याग दिया हो, शराब की ओर देखता भी नहीं है, उसको मध्य त्यागी कहते हैं, तो उसका ये यूज नहीं करता है। दोस्तों आगे वाले सेशन में हम घड़ी वाले क्वेश्चन आपको बेस्ट ट्रिक सुपर ट्रिक बताएंगे, एक से बढ़ के। ऐसा नहीं कि एनालॉजी बंद कर रहे हैं, एनालॉजी चलेगा, इसमें बहुत से क्वेश्चन है, बहुत टाइप से क्वेश्चन है, ये दोनों चलेगा एक साथ में, घड़ी वाले भी और क्लॉक वाले भी, और ये एनालॉजी भी चलेगा।